हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू विकी एनालिसिस। हम नया एक लेक्चर लेकर आए हैं आप सबके लिए। इसमें यह होगा कि हम पढ़ेंगे विद स्पेशल रेस्पेक्ट टू जीके पोर्शन ऑफ सिंध पब्लिक रिसर्च कमीशन। जी हाँ जी, तो ये कुछ गोल्डन गोल्डन एमसीक्यूज हैं जो हम आपके लिए लाए हैं। तो इसमें ये होगा कि जितना भी हमारा 2018 से लेकर आज तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, और हमने जो जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, और अलहमदिल्ला वो सारे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, उनसे मिलके हमने एक पैकेज बनाया है गोल्डन एमसीक्यूज़ का। ये टोटल 200 एमसीक्यूज़ हैं, और इसमें हर लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो यहाँ से ये होता है कि सिंध का जो अभी हमने कवर किया है, वो सिंध का जो जीके का पोर्शन है, स्पेशली जनरल नॉलेज ऑफ सिंध प्रोविंस, क्योंकि एसपीएससी का एग्जाम है, और एसपीएससी के एग्जाम में जीके पोर्शन लाजमी आता है, उसके 2 से 4 सवाल आ जाते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है इसको कि हमने 200 एमसीक्यूज, गोल्डन एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं, जिसमें से ये होता है कि हमारे 4 से 5 एमसीक्यूज जितने भी आते हैं वो हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि आपको एक मखसूस इसका स्कोप डिफाइन किया गया है कि आप 200 एमसीक्यूज को कवर करें, और वी होप कि आपके 5 एमसीक्यूज वहाँ से हो जाएं। क्योंकि अभी ये पोस्टें आई हैं म्यूनसिपल की, टाउन ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट में, तो इसमें इन ये जो 200 गोल्डन एमसीक्यूज हैं, इसका बड़ा आपके पास फायदा है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके सामने ला सकें, और जो मीनिंगफुल, बिल्कुल मीनिंगफुल वीडियोस, ऐसे ना हो कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो वेलकम टू विकी एनालिसिस, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। तो हाँ जी, ये है लेक्चर, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और सिंध प्रोविंस के हिसाब से हमने ये एमसीक्यूज डिज़ाइन किए हैं, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस की जीके जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो 2018 से लेके जितने भी एमसीक्यूज आए हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमने वो बड़ी मेहनत से इसको कंपाइल किया हुआ है। तो हाँ जी, जो हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फोर्ट इज नोन एज फोर्ट अहमदाबाद। तो फोर्ट अहमदाबाद कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एट कोट डिजी फोर्ट। कोट डिजी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोट डिजी फोर्ट। हाँ जी, ये है, दिस इज कोट डिजी फोर्ट। इट इज लोकेटेड इन खैरपुर मीरस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ओके, सेकेंड है कि हु बिल्ड द कोट डिजी फोर्ट। अब ये एमसीक्यूज आया हुआ है, एमसीक्यूज पास पेपर्स में ये एमसीक्यूज आया है। तो कोट डिजी फोर्ट किसने बनाया था? जी हाँ, वो बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोट डिजी फोर्ट मीर सोहराब खान टालपुर जी, दिस इज अ गाय हु बिल्ड कोट डिजी फोर्ट। वट इज़ द नेम ऑफ एंशंट मनोड़ा फोर्ट? मनोड़ा फोर्ट, आप कभी कराची में गए हो तो मनोड़ा आइलैंड पे जरूर गए होंगे। एक्चुअली वो इसलिए मशहूर हुआ कि वहाँ पे एक फोर्ट हुआ करता था किसी ज़माने में। तो ये है, इसका पुराना नाम था मोरंटो 12। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मनोड़ा फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायनेस्टी कासिम फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड? तो टालपुर डायनेस्टी में ये कासिम फोर्ट भी बना था। तो सिंध के बड़े बड़े जितने भी आप फेमस, जब भी आप पढ़ेंगे ना फोर्ट्स, तो ये टालपुर डायनेस्टी के ही दौरे हुकूमत में बने थे। ठीक है, तो दैट इज टालपुर, एंसर करेक्ट इज टालपुर डायनेस्टी। दिस इज द व्यू ऑफ कासिम फोर्ट जो कि टालपुर डायनेस्टी ने उस वक्त बनाया था। विच फोर्ट इज नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध? आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना होगा, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी मौजूद है, और दिस एमसीक्यूज इज ऑल्सो रिपीटेड मेनी टाइम्स इन एसपीएससी। ये कौन सा है? तो दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रनीकोट फोर्ट, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। और रनीकोट फोर्ट है जिसकी लंबाई है, द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ सिंध इज 31 किलोमीटर, और अगर हम माइल्स में देखें तो 19 माइल्स। ठीक है, सॉरी, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई है, किधर गया, ये रहा।
जी हाँ, तो 19 miles, ठीक है, और 31 किलोमीटर है, और यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया 1993 में, और ये जो किला बना था 1812 में बना है। थैंक यू सो मच, मूव ऑन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नॉन एज द गेटवे टू द थर्ड डिजर्ट। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, एमसीक्यूज में एसपीएससी में आ चुका है। तो यहाँ पे जो है वो नाउकोट फोर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आप थर अगर किसी को जाना हो तो वो इसको क्रॉस करते हुए जाएगा, ऐसे वो जा ही नहीं सकता। तो नाउकोट फोर्ट इट वॉज बिल्ड बाय द मीर करम अली खान टालपर इन 1814, 1814, 1814 में। ये एमसीक्यूज एसपीएससी में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, वेयर नाउकोट इज लोकेटेड। एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन थर पार्कर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये जो तहसील मिठी आती है वहां पे है, और डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर लगता है, इसलिए इट इज लोकेटेड इन थर पार्कर। थर पार्कर के आप जैसे ही जाए तो आपको रियलाइज होगा दैट इज ऑलमोस्ट इन थर डिजर्ट। वेयर द टॉम्ब ऑफ मुबारक खान इज लोकेटेड। एक्चुअली द मुबारक खान ही वॉज जर्नल एंड इट्स टॉम्ब इज लोकेटेड इन एक्चुअली इन ठट्टा। दिस इज द टॉम्ब ऑफ मुबारक अली खान। वेयर द सोंडा ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड। सोंडा ग्रेवयार्ड, इसको एक ऑर्फन ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। सोंडा ग्रेवयार्ड में ऑर्फन ग्रेवयार्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी जंग में जितने सिपाही थे वो शहीद हो गए, उसका आता पता भी नहीं है, मालूम ही नहीं हमें कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किस तरह से, लेकिन वो जंग में शहीद हो गए थे, उनकी कब्रें यहीं पे बना दी गई थी। तो दैट देयर फॉर वी कॉल्ड दैट ग्रेवयार्ड एज अ ऑर्फन ग्रेवयार्ड और द सोंडा ग्रेवयार्ड, ठीक है। और दिस ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड इन ठट्टा। दिस इज द ग्रेवयार्ड एक्चुअली, नेमलेस ग्रेवयार्ड। अच्छा, नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सत्यन जो स्थान, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ 7 फ्रेंड्स और रेस्टिंग प्लेस ऑफ 7 सिस्टर्स। ये भी एमसीक्यू एसपीएस में रिपीट हो चुका है, और ये जो है द रेस्टिंग प्लेस ऑफ 7 सिस्टर्स वो है रोहिणी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखें ये 7 कब्रें बनी हुई है और सातों की सातों सिस्टर्स थी, ठीक है, जिनकी कब्रें एक साथ बनी हुई है, और ये एमसीक्यूज एसपीएससी में आ चुका है। आपका कभी सखर आना हो या जाना हो कभी तो आप देख सकते हैं, रोहिणी के करीब यही है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ 7 सिस्टर्स मौजूद है अभी भी, आप कभी विजिट कर सकते हैं इसको। वेयर द टॉम्ब ऑफ यार मोहम्मद खान करोड़ इज लोकेटेड। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है एसपीएससी में। तो द यार मोहम्मद खान करोड़ो इसकी जो इसका जो टॉम्ब है इट इज लोकेटेड इन दादू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द एक्चुअल टॉम्ब ऑफ यार मोहम्मद खान करोड़ो। अच्छा, तो ये पूछता है कि टॉम्ब ऑफ मियाँ गुलाम शाह करोड़ इज लोकेटेड, वो कहाँ पे है, टॉम्ब ऑफ मियाँ गुलाम शाह करोड़ो कहाँ पे है। तो इसका जो मकबरा है वो हैदराबाद में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेयर द टॉम्ब ऑफ सरफराज खान करोड़ इज लोकेटेड। अब सरफराज खान करोड़ो ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, और ये इसका ये कहाँ पे है, और ये भी हैदराबाद में ही मौजूद है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है, आप कभी तिलक चाड़ी आपको कभी जाना हो तो आप मियाँ सरफराज खान करोड़ो की का टॉम्ब आप देख सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। होमस्टीड हॉल कहाँ पे है, होमस्टीड हॉल भी हैदराबाद में मौजूद है। एक्चुअली दिस इट वॉज अ क्लिनिक और हॉस्पिटल, डॉक्टर होमस्टीड ने ये ओपन की थी, ठीक है, तो उसके नाम से ये मशहूर है, और अभी तो कोई लाइब्रेरी बन चुकी है यहाँ पे, तो इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन हैदराबाद। वेयर इज कालका केव टेम्पल। वेयर इज कालका केव टेम्पल, एक्चुअली इट इज लोकेटेड इन सखर। तो हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखें, ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान उसके साथ ही ये काका केव टेम्पल बना हुआ है, हिंदू मंदिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिशिंग कैट। फिशिंग कैट ये एमसीक्यू एसपीएससी में आ चुका है बिल्कुल, और इसे हम प्रैंक कहते हैं। प्रैंक जो कि एक आम बिल्ली होती है जो हम सबने देखते हैं, सभी देखते रहते हैं आम बिल्ली, इसे हम फिशिंग कैट, दिस इज कॉल्ड फिशिंग कैट, प्रैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोविंशियल एनिमल ऑफ सिंध। अब हमें पाकिस्तान का नेशनल एनिमल तो हमें पता है, ठीक
ठीक है ना, लेकिन हमें वो मरखोर के बारे में सबको पता होगा, लेकिन प्रोवेंशल एनिमल ऑफ सिन कौन सा है ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है, सिन आइबेक्स आर सीडा। ये दिस इज अ हरन टाइप एक जानवर है, ठीक है ना, जैसे इट हैज वेरी सिमिलैरिटी विद मरखोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोविंशियल बर्ड ऑफ सिंध, प्रोविंशियल बर्ड ऑफ सिंध कौन सा है? दैट इज अ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लैक पैट्रिच, जो काले तीतर होते हैं, तीतर उससे हम कहते हैं ये है, ठीक है। मूव ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोविंशियल फ्लावर ऑफ सिंध, प्रोविंशियल फ्लावर ऑफ सिंध इज नीरम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज द प्रोविंशियल फ्लावर ऑफ सिंध। ओके, लास्ट हमारा जो एमसीक्यूज है और इस लेक्चर में वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोविंशियल ट्री ऑफ सिंध। हमें नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान का तो पता है डियर, अ प्रोविंशियल ट्री कौन सा है? दैट इज अ नीम ट्री, और ये है प्रोविंशियल एनिमल हमारा नीम ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत वाली हैं और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसपीएससी में इसके बहुत सारे चांसेस हैं आपके पास, ये जो अपकमिंग जितनी भी टेस्ट आ रही हैं तो वो शायद उसमें ये सवाल आए, और इंशाल्लाह वी होप कि हम 200 एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे और हर लेक्चर में आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे। तो वेरी थैंक यू सो मच, इसलिए आज का हमारा इस लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। प्लीज़ मैं आपको अगेन आई सजेस्ट कि डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच, वेल अल्लाह हाफिज़।